राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस करते हो राक्षस, अब एक भी राक्षस जीवित नहीं रहेगा। आक्रमण! ठहरो, इन राक्षसों ने शरणागति स्वीकार कर ली है। अब भरतों की भूमि पर वे आक्रमण नहीं करेंगे और अब कोई भी इन पर प्रहार नहीं करेगा। होते कौन हो तुम आज्ञा देने वाले? इतना बड़ा साहस किस शक्ति के बल पर कर रहे हो? शक्ति का प्रमाण सदा संघर्ष ही हो, ये आवश्यक नहीं शब्दों से नहीं, अपने कार्य से शक्ति का प्रमाण दो। कैसे रक्षण करोगे इन राक्षसों का? उनके सामने मेरी सेना खड़ी है, उनके जाने का मार्ग अवरुद्ध है। मां गंगा का प्रवाह रुकेगा और गंगा का पट इनके लिए मार्ग बन जाएगा। गंगा का प्रवाह कोई नहीं रोक सकता। कौन हो तुम? गंगा ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर अपना प्रवाह कैसे रोक लिया? क्योंकि संतान की बात तो स्वयं शिव भी नहीं डाल सकते। मेरा नहीं, हमारा महाराज। 25 वर्ष पूर्व जब हमारी संतान को मैं ले जा रही थी, तब मैंने आपको वचन दिया था कि देवव्रत को आपका उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनाऊंगी। पुत्र देवव्रत, नहीं पुत्र, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है पुत्र। तुम नहीं जानते पुत्र, मैं दिन रात तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपके पुत्र ने स्वयं परशुराम से शिक्षा प्राप्त की है महाराज। मैंने अपना वचन पूरा किया। गंगा अपना वचन कभी नहीं तोड़ती। दुर्भाग्य तो मेरा था कि मैंने तुम्हें दिया वो वचन तोड़ा, अन्यथा आज तुम मेरी पत्नी होती और हस्तिनापुर के सम्राज्ञी। मैंने वचन ही ऐसा मांगा था जो देर अबेर आपको तोड़ना ही पड़ता। और रही बात सम्राज्ञी बनने की, तो नदी तो अपने तट पर बसी प्रत्येक नगर की सम्राज्ञी होती है महाराज। माथे, मैं तुमसे अंतर नहीं कर रही हूँ। तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं प्रकट हो जाऊंगी। जाओ,
अब अपने पिता के साथ जाओ, उनकी सेवा ही तुम्हारा जीवन कार्य है। जो आज्ञा माते। Thank you.